तो हावी कैसे हो आप सब। तो यार मेरे पास पोको M6 5G को 125 डेज हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। मैंने इसका कैमरा टेस्ट करा है, गेमिंग टेस्ट करा है, कंपैरिजन वीडियो करी है, तो ओवरऑल जितना मैंने इसको एक्सपीरियंस करा है ना, सभी कुछ इस वीडियो में एक साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और सारी स्पेसिफिकेशन मैं इसके डिस्प्ले पे डाल दे रहा हूँ, तो आप वीडियो पॉज कर देख सकते हो। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों, मेरे को इस वाले फोन का डिजाइन काफी सही लगा है भाई। बाकी यहाँ पे इस पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए हैं दोस्तों इतने दिनों में, और फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आते हैं। बाकी इसकी हेडफोन जैक की क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी है। स्पीकर मेरे को थोड़ा सा डिसेंट टाइप का लगा है, लेकिन ठीक है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखो ना तो वहां भी ठीक है। लेकिन भाई इसमें नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं है, तो नॉइस एरिया में मेरे को दिक्कत हुआ है। ज्यादा शोर शराबा जहाँ पे रहती है वहां पे कॉल लोगे ना तो अगले पर्सन कोई इधर उधर का नॉइस चला जाता है। बाकी फिंगरप्रिंट इसका फास्ट है दोस्तों, हर बार अच्छे से काम कर जाता है। अब इसका जो डिस्प्ले है ना, ये मेरे को डिसअपॉइंट कर रहा है भाई। इसमें आपको एक HD+ डिस्प्ले मिलती है। फुल HD+ होता ना अच्छा होता भाई, मैंने मल्टीमीडिया कंज्यूम करा था, डिस्प्ले के कलर्स वगैरह मेरे को अच्छे लगे हैं, लेकिन डिटेलिंग नहीं होती है भाई। और यहाँ पे अगर आप इसे आउटडोर यूज करते हो तो ब्राइटनेस इतनी है कि आप आउटडोर में यूज कर लोगे दोस्तों, ब्राइटनेस मेरे को अच्छी लगी है। बाकी रिफ्रेश रेट जो है ना इसका ऑप्टिमाइज नहीं है दोस्तों, डे टू डे यूज में फील नहीं होता। ब्राउजरिंग वगैरह करोगे, यूट्यूब पे रहोगे, क्रोम पे रहोगे, तो ये 60 हर्ट्ज पे स्विच हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा और बेहतर इन लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बाकी इसकी बैटरी बैकअप मेरे को तगड़ी लगी है। अगर आप नॉर्मल यूजर हो ना तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप इजिली निकाल कर दे देगा। चार्जिंग स्पीड काफी स्लो है दोस्तों, यहाँ पे 3 घंटा लगाता है ऑलमोस्ट 0 to full चार्ज होने में। ये 18 वोल्ट के चार्जर को ये सपोर्ट करता है, तो अगर आप लेना चाहो अलग से तो ले सकते हो, फिर थोड़ा सा फास्ट होगा आपका फोन चार्ज। बाकी इसका सॉफ्टवेयर भाई मेरे को एकदम घटिया लगा है भाई। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन तो आपको शुरू में बहुत ही मिल जाएंगे भाई, निकालते निकालते थक जाओगे। और रिकमेंडेशन वगैरह भी काफी आते हैं भाई, इधर उधर से तामझाम करवाते ये लोग, तो ठीक है। मतलब यहाँ पे आप डिसेबल कर सकते हो, उसके बाद आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। और अब तक इसमें कोई अपडेट वगैरह रिसीव नहीं हुआ है दोस्तों। कंपनी वाले ने कहा था कि भाई 2 साल का OS अपडेट, 3 साल का सिक्योरिटी पैच, बताओ इतना लंबा फेंक के निकल गए लेकिन दिए नहीं अभी तक। खैर यहाँ पे इसका कैमरा डिसेंट टाइप का है भाई, मैंने इससे फोटोज ली थी, फोटोज उतने अच्छे नहीं आते हैं, कलर्स वगैरह ठीक ठाक से आपको देखने को मिलेंगे, डिटेलिंग भी अच्छी होती है, लेकिन बैकग्राउंड में अगर ज्यादा लाइट आती रहती है ना तो वहां पे फेस को थोड़ा सा डार्क कर देता है। और HDR में भी लाइट की कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं है दोस्तों, कभी लाइट को ये अच्छे से कंट्रोल करता है, कभी नहीं करता है। हालांकि 5 मेगापिक्सल के हिसाब से सेल्फी कैमरा अच्छा है दोस्तों, वहां पे फोटोज अच्छी आती है, कलर्स वगैरह आपको अच्छे मिलेंगे, डिटेलिंग थोड़ी सी मिसिंग होती है फोटोज में, बट ओवरऑल जो फोटो निकलती है फोन में देखोगे आपको अच्छी लगेगी। और अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पे, यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हो दोस्तों कि ये कैसे रिकॉर्ड करता है। मेरे को वीडियो में थोड़े से व्हाइटनेस देखने को मिल रहा है भाई, बैकग्राउंड का लाइट कंट्रोल देखो कि कैसी कर रहा है। और ये वीडियो अभी रियर कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है Full HD 30fps पे, यहाँ पे आप वीडियोस देखो और बताओ कि कैसी लग रही है आपको भाई, लाइट कंट्रोल कैसी कर रहा है वो भी बताना भाई। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों फेस के कलर्स वगैरह देखो कि कैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे को प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग कैमरा ठीक ठाक सा लगा है भाई। अब कॉम्पिटिटर को देखे ना, मतलब कॉम्पिटिटर को क्या देखना है भाई, ये पोको M6 5G है, इसी का जोड़ो है भाई। इससे पहले भाई पोको M6 Pro 5G आया था, उसको भी मैंने टेस्ट करा था, इससे अच्छा तो कैमरा उसका मेरे को लगा है भाई। चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी कैमरा टेस्टिंग की भी, जाके देख लेना, इसकी भी मिल जाएगी, कंपेयर कर लेना आपस में, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किसका कैमरा अच्छा है। बाकी भाई नेटवर्क में ये मेरे को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं दिया है भाई, 5G को ये फोन सपोर्ट करता है। कॉल वगैरह मैंने लिया था, कॉलिंग के दौरान भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। नॉइजी एरिया में मैंने आपको बताया थोड़ा सा दिक्कत करता है, बाकी यहाँ पे आप बिंदास कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस भी मैंने चेक करी थी, परफॉर्मेंस अच्छी है। BGMI खेलोगे आपको 40fps की गेम प्ले ये करा देगा, जायरो का सपोर्ट नहीं मिलता है भाई, तो जायरो प्लेयर भाई उदास मत होना, खैर अब उदास वाली बात ही है। खैर यहाँ पे भाई मैंने गेम प्ले करा था, गेमिंग अच्छी करा देगा, BGMI खेलोगे कहीं पे भी आपको लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। मैंने इसका डिटेल गेमिंग टेस्टिंग भी कर रखा है, तो अगर आपने चेकआउट नहीं करा तो कर लो भाई। बाकी हीटिंग को भी ये फोन काफी अच्छे से कंट्रोल करके रखता है, और इसकी ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग भी काफी अच्छी है दोस्तों, काफी जल्दी ये एप्लीकेशन को ओपन कर लेता है। इवन रैम मैनेजमेंट भी काफी अच्छी है, काफी टाइम तक एप्लीकेशन को रैम में रख पाता है। तो ओवरऑल इस वाले फोन में जो चीजें दे रखी है ना अच्छी दे रखी है, लेकिन अगर आप मार्केट में कॉम्पिटिटर को ना देखो तब अच्छी दे रखी है।
रखी है, लेकिन अगर आप कंपटीशन को देखते हुए चलो ना तो फिर वहां पे थोड़ा सा ये वीक पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना भाई पोको M6 Pro 5G इसी का छोटा भाई इससे बेहतर मेरे को लगा है भाई। बाकी आप अपनी राय बताना दोस्तों कमेंट करके, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते हैं फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।